नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजीव गांधी शहरी ओलंपिक टी शर्ट वितरण की घोषणा हो चुकी है, नामांकन हमको किस प्रकार से करना है और किस प्रकार से अपनी टीम का जो नामांकन है वो सुनिश्चित करना है, तो इसके लिए एक अलग से आदेश जारी हुआ है। आदेश कौन सा है उसके बारे में देख लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, राजस्थान सरकार युवा मामले एवं खेल विभाग जयपुर के द्वारा 30/6/2023 को यह आदेश जारी हुआ है, जिसका विषय है राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों के आयोजन हेतु टी शर्ट वितरण कराने के क्रम में। तो उपयुक्त विषयांतर्गत लेख है कि राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन 10/7 से किया जाना है। तो ये जो डेट है ये आप ध्यानपूर्वक देख लें। इस आयोजन हेतु उक्त खेलों में भाग लेने वाले समस्त पंजीकृत खिलाड़ियों को प्रतियोगिता हेतु टी शर्ट का वितरण किया जाना है। टी शर्ट वितरण का उपापन राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जयपुर द्वारा ही किया जा रहा है। यह वितरण समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से PO और UCO द्वारा किया जाना है। अतः समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि यहाँ प्राप्त समस्त टी शर्ट का वितरण आयोजन से पूर्व अपने अधीनस्थ समस्त पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को उपलब्ध कराकर जो पंजीकृत समस्त खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को टी शर्ट वितरण किया जाना सुनिश्चित हो सके। टी शर्ट वितरण की समस्त जिम्मेदारी संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों में निहित की जावे तथा उक्त कार्य की मॉनिटरिंग समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों व जिला शिक्षा अधिकारियों के द्वारा अपने अपने जिलों में ही किया जाना सुनिश्चित कराने। तो इसका मतलब ये है कि जो टी शर्ट वितरण की जिम्मेदारी है वो POs को दी गई है और इसका जो मॉनिटरिंग है वो जो इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित हो कि टी शर्ट राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जयपुर को प्राप्त होने के पश्चात उनका वितरण आयोजन से पूर्व ही हो जाए तथा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों के द्वारा टी शर्ट की प्राप्ति का स्टॉक रजिस्टर में इंद्राज करते हुए वितरण की प्राप्ति रसीद प्राप्त कर इसका भी इंद्राज करना सुनिश्चित किया जाए। तो ये सारी की सारी जानकारी आपके लिए इस वीडियो में थी। जो ब्लॉक क्लस्टर स्तर पर पंजीकृत खिलाड़ियों की संख्या हमको पहुंचानी है, जो हमारे CBOs और POs हैं उनको, तो यहाँ पर जो विवरण है उसके बाद में नाम, मोबाइल नंबर और अतिरिक्त मोबाइल नंबर, साथ ही पता, ये सारे के सारे डिटेल इकट्ठी करके ये हमको देनी है, जिससे कि हमारी जो टी शर्ट है समस्त खिलाड़ियों की वो POs के माध्यम से वितरित होना संभव हो सके। जानकारी अच्छी लगी हो तो समस्त खिलाड़ियों को ये जानकारी पहुंचाना अवश्य ही सुनिश्चित करें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ।